हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फेसबुक पे, जब भी आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पे, दिस पेज इजंट अवेलेबल राइट नाउ। तो देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है दिस मे बी बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल एरर दैट वी वर्किंग ऑन गेट फिक्स ट्राई टू रीलोडिंग दिस पेज। तो यहाँ पे ना ये मतलब ये जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम मुझे कुछ देर पहले आ रही थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे ये प्रॉब्लम क्यों आती है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन टिप्स से ना मैंने अपनी प्रॉब्लम फिक्स की, वही टिप्स मैं आपके साथ करूँगा जिससे आप भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएँ। तो ये ना भी एक स्क्रीन शॉट है, तो ये जो प्रॉब्लम मुझे कुछ देर पहले देखने को मिल रही थी, तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए ना यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको एक बार आपको फेसबुक में चले जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पेज को आपको रिफ्रेश करके देख लेना है, शायद आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। पर इसके बाद भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो आपको क्या करना है, इसके बाद नहीं होगी, आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है ऐप्स मैनेजमेंट पर, उसके बाद ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फेसबुक सर्च करना है, आपको फेसबुक पे जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लियर डेटा क्लियर कैसे कर देना है, करना है परमिशंस पे, और क्या करना है आपको सभी परमिशंस को क्या करना है, एक एक करके अलाउ कर देना है, जितनी भी परमिशन है सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। तो आपको क्या करना है, सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, बैक चले जाना, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक आने के बाद आपको जाना है नेटवर्क सेटिंग में यहाँ पे, उसके बाद आप जिस भी सिम से इंटरनेट यूज़ करते हैं उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको की जो सिम है वो इनेबल होनी चाहिए, डेटा रोमिंग जो है ऑफ होनी चाहिए, अगर आप रोमिंग वाली एरिया में तो आप इसे ऑन करके रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको पता है। उसके बाद आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप है, आपको 4G रखना है, अगर आपका 5G तो आप 5G सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट पर क्लिक करना है, आपको इसे रीसेट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको कैरियर पे क्लिक करना है, आपको इसे ऑटोमेटिकली ऑन करके रख देना है, ये कर देना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे और सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो फेसबुक एप्लीकेशन है इसे आपको अपडेट कर लेना है। तो इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के आने के मेन कारण दो हैं, ये मतलब फेसबुक की तरफ से टेक्निकल एरर हो सकता है। फेसबुक एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ना बहुत छोटे मोटे यहाँ पे बग जो चलते ही रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे ना थोड़ा मोड़ा यहाँ पे बग आता रहता है, यहाँ पे छोटा मोटा बग आता रहता है। अगर बग आया है तो इसके बाद ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो ये जो है फेसबुक का ही एरर है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली फ़िक्स हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। तो देख सकते हैं आपको क्या करना है, फेसबुक अपडेट से होगा क्या कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपकी जो फिक्स हो जाएगी। तो इसके बाद आपको अपनी ID लॉगिन करना है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। पर अगर आपकी जो प्रॉब्लम है इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है तो इसका मतलब है फेसबुक की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ना सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है आपके ही फ़ोन में आ रही है, तो आपको ये जो टिप्स है उन्हें फॉलो करना है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो अपडेट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो यही थी वो टिप्स जिससे मेरी प्रॉब्लम फिक्स हुई थी। तो आपको क्या करना है ना, आपको टिप्स को फॉलो करना है सही से, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी।